का आखिरी दिन है, सभी को नए साल के आगाज का बेसब्री से इंतजार होगा। सभी ने अपने अपने तरीके से नए साल का स्वागत करने का पहले से ही सोच रखा होगा। साल 2023 में देश ने कई उपलब्धियां हासिल की हैं, जिसका डंका पूरी दुनिया में बजा। इसी के साथ साल 2023 में देश में कुछ ऐसे जघन्य अपराध भी हुए हैं, जिनका जिक्र ना सिर्फ देश में बल्कि पूरी दुनिया में है। मणिपुर में दो महिलाओं की न्यूड परेड और रेप का मामला पूरे साल खूब चर्चा में रहा। क्या आपको याद है वो लड़की जिसके बॉयफ्रेंड ने उसके 35 टुकड़े कर दिए थे, या फिर वो किस्सा आपको याद है जब एक लड़की को पिछले ही साल के पहले दिन गाड़ी से घसीटा गया था, याद है आपको? शायद मेरी ये बातें सुनकर आपको अजीब सा लग रहा हो, लेकिन इसी के साथ ही साथ कुछ और भी घटनाएं 2023 में ही घटित हुई है, जिन्होंने रूह को कपा देने का काम किया है। आज इस वीडियो में हम आपको उन सभी केसेस के बारे में बताएंगे जिन्होंने इस साल अंजाम लिया। नमस्कार, मैं हूं प्रियांशी और आप देख रहे हैं जी बिल्कुल। बात करते हैं कांझावाल मर्डर केस की। दिल्ली के सुल्तानपुरी इलाके में एक कार ने 1 जनवरी 2023 के तड़के अंजलि सिंह, जो कि 20 साल की थी, उसको 12 किलोमीटर तक घसीटा। इससे उसकी मौत हो गई। चालक ने स्कूटी सवार महिला को टक्कर मारी थी। इस मामले में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया था। शव को कई किलोमीटर तक घसीटने से महिला के कपड़े फट गए थे। उसका शव कांझावाल के सड़क पर पड़ा मिला था। मामले ने तब खूब तूल पकड़ा हुआ था। निक्की यादव मर्डर केस के बारे में तो आपने जरूर सुना होगा। 10 फरवरी को साहिल गहलोत ने दिल्ली के निगम बोध घाट शमशान घाट की पार्किंग में निक्की यादव की हत्या कर दी। फिर वह उत्तर पश्चिम दिल्ली के नजफगढ़ में 40 किलोमीटर दूर अपनी फैमिली रेस्टोरेंट में शव लेकर पहुंचा और फ्रिज में शव को रख दिया। निक्की यादव आरोपी साहिल गहलोत की गर्लफ्रेंड नहीं बल्कि पत्नी थी। उन दोनों ने साल 2020 में गुपचुप तरीके से ग्रेटर नोएडा के आर्य समाज मंदिर में शादी कर ली थी। साहिल ने उसकी हत्या की योजना तब बनाई जब उसके परिवार वाले किसी और लड़की से उससे शादी का दबाव डालने लगे। शाहबाद डेयरी मर्डर केस की आपको याद दिलाते हैं। बाहरी उत्तर दिल्ली के शाहबाद डेयरी इलाके में 28 मई 2023 की रात को एक युवक ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। साहिल नामक शख्स ने नाबालिग साक्षी को चाकू से 34 बार गोद कर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद भी उसका मन नहीं भरा तो उसने पत्थर से उसका सिर कुचल दिया और इसी पर लड़की की मौके पर ही मौत हो गई। इस मर्डर का एक सीसीटीवी फुटेज भी वायरल हुआ था, जिसमें आरोपी नाबालिग लड़की को लगातार चाकू से हमला करता दिख रहा था। वहीं आसपास से लोग गुजर भी रहे थे, लेकिन किसी ने उसका विरोध नहीं किया। अगर आपको नरगिस मर्डर केस के बारे में याद दिलाएं तो शादी से मना करने पर रॉड से मारकर हत्या करने का मामला सामने आया था। दिल्ली के मालविया नगर में 28 जुलाई 2023 को दिन दहाड़े 25 साल की नरगिस की लोहे की रॉड से मार मार कर हत्या कर दी गई थी। कहना है कि आरोपी इरफान की शादी के बाद मौसी की बेटी नरगिस से पक्की होने के बाद टूट जाने की वजह से वो डिप्रेशन में चल रहा था। उसे लगता था कि अब उसकी शादी नहीं हो सकेगी। वहीं उसके छोटे भाई का रिश्ता तय हो गया था, इसमें इरफान और ज्यादा परेशान हो गया था। इस बात को जानने के बाद इरफान और ज्यादा परेशान हो गया था, जिसके चलते उसने इस घटना को अंजाम दिया।
महिलाओं की न्यूड परेड और रेप के बारे में सुना जरूर होगा आपने। मणिपुर में हिंसा के बीच मानवता को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया। राज्य में दो महिलाओं को न्यूड कर परेड कराने का वीडियो 19 जुलाई को वायरल हुआ था। इस वीडियो के बाद पूरे देश में महिला अपराध को लेकर तेज बहस छिड़ गई। संसद से लेकर सड़क तक हर जगह इस मुद्दे का हल्ला बोल देखने को मिला। 4 मई की घटना के इस वीडियो में ये साफ दिखाई दे रहा था कि भीड़ एक समुदाय की दो महिलाओं को निर्वस्त्र करके परेड करा रही थी। इन महिलाओं के साथ रेप भी किया गया था। ये जघन्य वारदात पूरे देश में काफी सुर्खियों में रही। पूरे देश में पीड़ित महिलाओं को इंसाफ दिलाने के लिए कैंडल मार्च निकाला गया। सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले पर नजर बनाए रखी। मार्च 2023 में उदयपुर में 10 साल की बच्ची के साथ रेप और फिर उसके शरीर के 10 टुकड़े करने की वारदात सामने आई। इस घटना में उदयपुर ही नहीं बल्कि राजस्थान को हिला कर रख दिया। इस घटना को लेकर बीजेपी ने पुरजोर तरीके से कांग्रेस सरकार को घेरा था। कई बड़े मंत्री पीड़िता के गांव भी पहुंचे थे। प्रतापगढ़ में आदिवासी महिला को निर्वस्त्र करके घुमाया गया। अगस्त 2023 में प्रतापगढ़ जिले में एक महिला को नग्न कर पूरे गांव में परेड कराने का मामला सामने आया था। पूरी घटना का वीडियो भी सामने आया था। पीड़ित महिला ने पूर्व ससुर और उसके परिजनों ने ही वारदात को अंजाम दिया था। घटना जिले के निचलकोटा गांव की थी। पीड़िता और आरोपी दोनों आदिवासी समुदाय के थे। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए 6 टीमों का गठन किया, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। ये सभी कहानियां हमने आपको बहुत ही संक्षिप्त में बताई है, लेकिन इन कहानियों ने रूह आपकी जरूर कपा दी होगी। सिर्फ इतनी ही नहीं, ना जाने ऐसी कितनी घटनाएं हुई हैं इस साल जिन्होंने सुर्खियां बटोरी, और ना सिर्फ सुर्खियां बटोरी बल्कि इन घटनाओं से हमें कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलता है। खैर, इस वीडियो को यहीं विराम देते हुए आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं।